मल्लिका शेरावत बॉलीवुड की उन एक्ट्रेसेस में से एक हैं जो अपने बोल्ड एंड ब्यूटीफुल अवतार के लिए मशहूर हैं। ख्वाहिश, मदर, हिस जैसी फिल्मों में दर्शकों ने उनकी अदाकारी का लोहा माना। अब कुछ साल बाद एक बार फिर मल्लिका अपनी नई फिल्म आरके से वापसी कर रही हैं। मल्लिका ने इंडिया टीवी से अपनी नई फिल्म के बारे में बात की और अपने फिल्म और अपने फ्यूचर प्लान डिस्कस किए। कुछ लोग होते हैं जिनसे बात करना बहुत अच्छा लगता है। आई एम श्योर आप लोगों को भी, आपके जीवन में भी कुछ लोग ऐसे होंगे जिनके साथ बात करना, जिनके साथ रहना आपको अच्छा लगता है। और मैं जिस फील्ड से बिलोंग करती हूँ, एंटरटेनमेंट, और यहाँ पर जब सेलिब्रिटीज से हम बात करते हैं तो कोई कुछ एक इंटरव्यूज ऐसे होते हैं जो ताज जिंदगी आपको याद रहते हैं। तो मेरे साथ जो इस वक्त मौजूद है, इनके साथ 2004 से मैंने शुरुआत की थी इनको इंटरव्यू करना, इनसे बातें करना, और आज जब मैं उनसे मिली हूँ तो कुछ भी नहीं बदला, वो वैसी ही है। बात कर रही हूँ मल्लिका शेरावत से। मल्लिका, थैंक यू फॉर हैविंग मी ऑन योर शो। थैंक यू फॉर बीइंग विद अस, यू नो, और बीइंग द पर्सन व्हाट यू आर। मुझे इतने सालों के बाद भी जो जिस तरह के आप हैं, जिस लिहाज में आप बात करती हैं, या जो दिल है आपका वैसा का वैसा ही है। सो जिस फील्ड से हम दोनों ताल्लुक रखते हैं, आप पर्दे के आगे हैं, एक्टिंग करती हैं, अलग अलग किरदार आपने निभाए हैं, ये वक्त जब थोड़ा अगर रिवाइंड करूं तो क्या याद आता है 2004 की अगर बात करूं? आई थिंक वो बहुत ही इनोसेंट जमाना था 2004। दैट इज द वर्ड फॉर यू? यस, वो बहुत ही एकदम, मैं कहते हैं ना, फ्रेश ऑफ द बोट। मैं नई नई बंबई आई थी, मैं एक ही फिल्म की थी ख्वाहिश, और उसके बाद मर्डर मिल गई। तो मुझे कुछ पता ही नहीं था कि एक डिप्लोमेसी नाम की चीज भी होती है, और जब आप प्रेस से बात करो तो यू हैव टू बी मोर डिप्लोमैटिक, सोच समझ के बोलो। मैं बोलती पहले थी और सोचती बाद में थी। और कुछ भट्ट साहब जो मेरे मेंटर हैं, वो भी मुझे सिखाते रहते थे, लड़की डरना नहीं किसी से, दिल की बात बोलो, और ये सब उन्होंने भी मुझे बहुत इन्फ्लुएंस किया। तो दैट वॉज एन एज ऑफ इनोसेंस। आज सबसे पहले जो कहते हैं ना कि आप शुरू करो खबर से, तो खबर ये है कि मल्लिका शेरावत इज इन टाउन टू प्रमोट हर न्यू फिल्म कॉल्ड आरके। सो ये बहुत खूबसूरत फिल्म है, मैंने देखी है, और इस फिल्म में भी ऐसी एक एरा को वो जी रही है जो फिर से एक रिवाइंड वर्जन है। मल्लिका, उस एरा की बात करते हैं जी, जब आप गुलाबो प्ले कर रही हैं फिल्म में। तो मल्लिका शेरावत को कहीं आपने बैक सीट रख करके आप एक और ही इंसान बनी हैं जी। सो टॉक अबाउट इट। रजत कपूर की मैं बहुत बड़ी फैन हूँ, आंखों देखी मेरी फेवरेट फिल्म है, और 20 साल का सफर रहा है। आई वेटेड फॉर 20 इयर्स टू गेट अ रोल लाइक गुलाबो, फॉर अ सीरियस डायरेक्टर लाइक रजत कपूर टू कास्ट मी इन हिज फिल्म। गुलाबो जो है, यू नो, वो एक 50s एंड 60s से इंस्पायर्ड है जो किरदार है। जो 50s और 60s की अभिनेत्रियां थी, सभी अभिनेत्रियों को उस दौर की, मीना कुमारी जी, मधुबाला जी, वहीदा रहमान जी, नूतन, ये सारी अभिनेत्रियों की अमैलगमेशन है गुलाबो। सो फिल्म में एक फिल्म बन रही है, और उस फिल्म, जो फिल्म में फिल्म बन रही है, उसमें गुलाबो एक कैरेक्टर है हु इज अ फैंटेसी ऑफ द डायरेक्टर। एंड जब आपके पास ये फिल्म लेकर रजत आए थे, तो आपकी सोच क्या थी? बिकॉज आपका एक दौर से आप आई हैं। व्हेन रजत कपूर फर्स्ट ऑफर्ड मी द रोल ऑफ गुलाबो एंड नरेटेड आरके टू मी, आई वॉज ओवर द मून। मेरे तो खुशी का ठिकाना नहीं था कि मेरा फेवरेट डायरेक्टर, आंखों देखी मेरी फेवरेट फिल्म, एंड ही वॉन्ट्स टू कास्ट मी एज गुलाबो। बिकॉज हम सभी जानते हैं कि बॉलीवुड में अभिनेत्रियों के लिए जो किरदार लिखे जाते हैं, दे आर नॉट वेरी एक्साइटिंग और एक्सपेरिमेंटल रोल्स एट ऑल। दे आर वेरी फॉर्म्यूलेक ट्रेडिशनल बॉलीवुड फिल्मों से फॉर्म्यूला है जो चलता आ रहा है और वो वैसा ही रहेगा। लेकिन अभी जो OTT आया है, और अभी जिस तरह की फिल्में भी आप देखो ना, कितना सोचते हैं, कितनी नई। और सबसे बड़ी बात है, I'll come to that question later, you just finish your गुलाबो। Okay, so जब उन्होंने मुझे बताया कि गुलाबो जो है इस पीरियड से इंस्पायर्ड हैं, और इसके लिए उन्होंने मुझे अपने साथ बैठ के, हमने रिसर्च करी, कागज के फूल
अभिदा रहमान जी की प्यासा, पाकीज़ा एंड गेव दैट फील ना वो. तो यही तो चैलेंज था जोएटा, जो एक मतलब कहते हैं ना, क्या बोलते हैं उस वर्ड को, कि आप एक अलग ही धुन में हो अदाओं के साथ, बहुत नाप तोल करके बात करना, वो सब चीजें, मतलब इट मस्ट हैव. तो दैट्स व्हाट आई एम सेइंग, रिसर्च वाज क्वाइट, वी डिड इट बिकॉज़ एक जो चीज सामने आई सभी अभिनेत्रियों को देखकर कि दे वर वेरी फेमिनिन एंड दे वर वेरी पोएटिक, वेरी पोएटिक. उनका बालों में वो गुलाब और साड़ी पहनने का तरीका, वो नजाकत, वो तहजीब, वो सब चीजें लेके आनी थी गुलाबों में. एट द सेम टाइम उसको हम कैरिकेचरिश नहीं बना सकते थे, वी हैड टू गिव अ लॉट ऑफ डिग्निटी टू द कैरेक्टर. सो दैट्स हाउ गुलाबो वॉज कंसीव्ड. बहुत से लुक टेस्ट किए एंड जब तक रजत कपूर सेटिस्फाइड नहीं थे, वी कुडंट गो अहेड. ही वॉज वेरी सेटिस्फाइड. इनफैक्ट जब मैं रजत जी से बात कर रही थी, उन्होंने यही कहा था कि एक मैंने कहा था कि मलिका की एक अलग इमेज रही है, तो उन्होंने बोला कि वो ब्रेक करना बहुत जरूरी था, यू नो. और एक्टर्स का तो काम ही वो होता है ना, कि आप अलग अलग तरीके से ढल जाओ. एंड ही वॉज वेरी हैप्पी द वे यू परफॉर्म, दैट्स व्हाट ही मेंशन्ड यस्टरडे. दैट्स ट्रू, बिकॉज बहुत मेरे लिए, मैं इंटिमिडेट हो गई थी. ही सच एन इंटेलेक्चुअल डायरेक्टर. और आप मेरे आसपास की मंडली देखिए, रणवीर शौरी, हु आई थिंक इज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट एक्टर्स ऑफ आवर टाइम, एक्टर पार एक्सेलेंस, कुब्रा सेठ, शी इज वंडरफुल, एंड मनु ऋषि. मनु ऋषि वाज लाइक, तो इन और रजत जी के साथ सीन करना, बिकॉज ही इज ऑल्सो एक्टिंग इन द फिल्म, रजत कपूर. और दो 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 वो भी. सो यू हैव टू रियली अप योर गेम. थोड़ा भी इधर उधर हो जाएगा, देन मुझे ऐसे लगता था पूरा सेट है, सब हंसेंगे मुझ पे, क्या बोलेंगे, मलिका को एक्टिंग ही नहीं आती, गलती नहीं होनी चाहिए बस कोई. तो ये सब चीजें भी मेरे दिमाग में चल रही थी. मलिका, जब आप काम कर रहे थे फुल फ्लेज्ड, जब यहाँ पर काम कर रहे थे, थोड़ा सा आपने भी टाइम लिया, आप बाहर काम कर रही थी, इंटरनेशनल फिल्में आपने की है, तो जब फिल्में ऑफर होती थी तो उस वक्त क्या होता था कि एक ही तरह की फिल्म लेकर के लोग आते थे, राइट? जी. सो वो टाइम अगर आप मुझे बता पाए कि किस तरह से लोग अप्रोच. राइट. क्योंकि मैंने तो फिल्में और आपके साथ नहीं, सबके साथ ये होता, सबके साथ ही ऐसे होता है, बल्कि निर्देशकों के साथ भी ऐसे ही होता है कि वो एक ही टाइप की टाइप कास्ट हो जाते हैं, कि वो एक ही टाइप की फिल्म बना रहे हैं, एक्टर्स भी टाइप कास्ट, और ये तो सिर्फ कॉमेडी करते हैं और ये तो सिर्फ एक्शन करते हैं. सो इट्स जैकी चैन के साथ ये हुआ है, उन्होंने मुझे खुद बताया कि लोग समझते हैं वो सिर्फ कॉमेडी एक्शन ही कर पाते हैं, बट ही इज अ वेरी सीरियस पर्सन. उन्होंने सीरियस फिल्में भी की हैं, पर वो छवि उनकी वैसी बन गई है. सो इट डजंट बॉदर मी एट ऑल. एक्टर्स की शादी हो जाती थी तो लगता था अरे यार पता नहीं शादी हो गई है, अब ये काम नहीं करेगी. बच्चे हो जाते थे तो अरे बच्चों वाली एक्ट्रेस. बट आज देखिए आप, एवरीबडी इज मैरिड एट द एज राइट एज एंड पीपल आर हैविंग बेबीज एंड डूइंग द फिल्म्स. राइट. तो ये बदलाव मलिका आप कैसे देखते हो? मुझे लगता है कि ये बदलाव जो है बहुत पॉजिटिव बदलाव है, एंड अभिनेत्रियों के लिए तो ये गोल्डन पीरियड है बॉलीवुड में. आई थिंक OTT से बहुत बदलाव आया है. मैं हमेशा दिल्ली क्राइम का उदाहरण देती हूँ कि 10 साल पहले आप सोच सकते थे कि एक 50 साल की महिला, एक अभिनेत्री विल बी द हीरो ऑफ द शो, द हीरोइन ऑफ द शो, एंड इट विल बी अ ब्लॉकबस्टर. एग्जैक्टली. हमें और उस शो दिल्ली क्राइम को इतना सम्मानित किया गया, इतना प्यार मिला अपने फैन से, हम सोच भी नहीं सकते थे 10 साल पहले. बट टुडे इट्स हैपनिंग आई थिंक बिकॉज ऑफ OTT. उससे बहुत बदलाव आया है, जिस तरह अभिनेत्रियों के किरदार लिखे जाते हैं, जिस तरह निर्देशक अभिनेत्रियों को देखते हैं. पहले तो या तो आप हीरोइन थी, आप वैम, कोई और कैरेक्टर ही नहीं था, कुछ बीच में था ही नहीं. कोई चीज जो आपको लगता है कि अगर तब होती तो बॉलीवुड में बदल सकते? वी नीड मोर ब्रेव निर्देशक, ज्यादा ब्रेव डायरेक्टर्स और राइटर्स की बहुत जरूरत है, बिकॉज जर्म तो वही है ना, वहीं से शुरुआत होती है. एंड राइटर्स प्लेड वेरी सेफ, एंड डायरेक्टर्स आल्सो. राइटिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट. यस, दे प्लेड रियली रियली सेफ. आई थिंक अभी OTT से जो ये सेंसरशिप के इश्यूज नहीं है, जजमेंट्स के इशू नहीं है, उनसे राइटर्स को थोड़ी बोल्डनेस आई है, ठीक है हम भी एक्सपेरिमेंट करेंगे. सो टुडे व्हेन यू सी एन एक्ट्रेस लाइक कुब्रा सेठ, हु इज वेरी कंफर्टेबल विद फ्रंटल न्यूडिटी, you know, हाँ, she did a very in Sacred Games. So वो राइटर ने सोचा, उसको लिखा, एंड शी एन एक्ट्रेस वॉज कम्फर्टेबल एंड कॉन्फिडेंट इनफ टू डू इट. तो वो भी कितना बड़ा बदलाव है. हम लोगों का सोच देखो अभी, कि लोग कहते हैं अरे यार ये तो, ये भी एस्पेक्ट है लाइफ का. Exactly. लेकिन वो दौर था जब मतलब किसिंग और हगिंग को भी बहुत बड़ा एक टैबू
बना करके लोग चलते थे, सिर्फ महिलाओं के लिए, सिर्फ महिलाओं के, सिर्फ महिलाओं के लिए। कितना हल्ला मचा था मर्डर के टाइम, माय गॉड, ओवर अ किस एंड अ बिकिनी। मेरी तो आज तक समझ में नहीं आता है, ऐसा मैंने क्या किया जो आज की देवियां नहीं कर रही। ये देवियां भी तो वही कर रही हैं जो मैंने मर्डर में और करियर की शुरुआत में किया था। फर्क सिर्फ 15 साल का है बस। सिर्फ 15 साल का, लेकिन वही है ना, एज यू सेड, दैट वॉज एन इनोसेंट टाइम, राइट, एंड वेरी नॉन करप्टेड। जो आता था वही वही right. जो पीछे था वही सामने था, राइट। बट नाउ एक्सेप्टेंस इज द बिगेस्ट थिंग। मुझे लगता है कि महिलाओं के लिए एक्सेप्टेंस अभी भी नहीं है, लेकिन फिल्मों में, सिर्फ अगर फिल्मी जगत की बात की जाए, तो उसमें जरूर एक्सेप्टेंस है और नजरिया बदला है। आपने OTT की बात की, तो इतने अच्छे अच्छे राइटर्स हैं आज लिखे जा रही हैं, तो मलिका को हम कुछ करते हुए देख पाएंगे, बिकॉज आई थिंक यू हैव अमेजिंग पोटेंशियल, एंड मुझे लगता है कि इनफैक्ट कॉमेडी रोल में भी यू कैन डू वंडर्स। जी जी, मैंने प्यार के साइड इफेक्ट्स की, वेलकम की, काफी कॉमेडीज की हैं, लेकिन एक मेरी वेब सीरीज रिलीज हो रही है, गुरमीत सिंह उसके निर्देशक हैं, जिन्होंने मिर्जापुर बनाई है। द सीरीज इज कॉल्ड बाउंसर नगर, इट्स अ कॉमेडी, हरियाणा में ही सेट है, तो बहुत मजा आया, बहुत मजा आया। और गुरमीत जब सीन डायरेक्ट करते हैं, ही इज अ वेरी वेरी अकॉम्प्लिश्ड एबल डायरेक्टर, राइट। सो एक आपके अंदर भी हमने ट्रांजिशन देखा है, मेन स्ट्रीम कमर्शियल फिल्म से लेकर रजत कपूर की ये फिल्म, जो कि एक इंटेलिजेंट 1.5 घंटे की फिल्म है, लेकिन इट टेक्स यू इन डिफरेंट वर्ल्ड, एंड नाउ OTT। मलिका, बहुत बहुत धन्यवाद, और मैं चाहती हूँ कि आप बहुत ज्यादा अब यहाँ दिखें और रहें, क्योंकि एक दौर तो आपने शुरू किया था। आई थिंक यू हैड स्टार्टेड वन जर्नी एंड वन लेवल, जो कि उस वक्त किसी ने भी नहीं किया था। थैंक यू, थैंक यू जॉयना, इट्स ऑलवेज अ प्लेजर टॉकिंग टू यू।